इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो हम सबसे पहले जो सीखने वाले हैं वो है सेल्फ असेसमेंट ऑफ फायर रिस्क एट होम और वर्क प्लेस। तो इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में, इसको लेने के बाद में, आई एम श्योर कि आप अपने घर पे, अपने ऑफिस में, अपने वर्किंग प्लेस पे आप एक असेसमेंट कर पाएंगे कि आप कितने फायर रिस्क के अंदर हैं और सेल्फ एवेल्युएट कर पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग प्रिवेंशन फ्रॉम फायर, हम आग से कैसे बच सकते हैं वो इस प्रेजेंटेशन में हम करने वाले हैं। बट इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल फॉर फायर सेफ्टी। हम सबको ये तो पता होता है कि आग के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, बट हम लोग सोचते हैं कि बहुत महंगे आते होंगे, बहुत अलग अलग इक्विपमेंट्स आते हैं मार्केट में, अलग अलग फायर के हिसाब से अलग अलग इक्विपमेंट्स आते हैं। हम लोग इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे कि मार्केट में किस किस तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं फॉर फायर सेफ्टी। इफ फायर कैन हैपन, हाउ वी एविगेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आग होती है, आग लगती है, तो हम कैसे उस आग से निकलेंगे, कैसे उस आग से बचेंगे। सो एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू वी अंडरस्टैंड अबाउट फायर। जब हम किसी को पूछते हैं अबाउट फायर तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, अबाउट फायर एक ही पिक्चर आती है। मैं आज आपको बहुत सारी अलग अलग पिक्चर दिखाने वाला हूँ फायर की, कि फायर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, वो चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। डू वी नो हाउ टू चूज एंड यूज फायर एक्सटिंग्विशर। सबने फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, किसी के ऑफिस में होगा, किसी के घर में होगा, बट आई एम श्योर कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि किसी को ये नहीं पता होगा कि कौन से तरह का फायर एक्सटिंग्विशर हम कहाँ पे यूज करते हैं और कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम किस फायर के ऊपर कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चलाने वाले हैं, राइट? तो आज मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में सिखाऊंगा। तो इस प्रेजेंटेशन के बाद में, सो यू ऑल आर, और मोटो इज टू एजुकेट यू ऑल अबाउट द बेसिक फायर सेफ्टी, सो यू ऑल कैन रिव्यू दैट योर हाउस और वर्क प्लेस इज फायर सेफ। और हमारा पर्पज यही है कि आप लोगों को हम लोग सेल्फ एविलेट कर पाए। सो व्हाट इज फायर, व्हाई इट हैपन, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। आप लोगों के मन में कोई भी सवाल आए, क्वेश्चन सेशन हम लोग रखेंगे एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल आंसर। तो पहले, सबसे पहले मैं बात करूंगा बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज के अंदर कि फायर होती क्या है, आग लगती कैसे। जब भी ये तीन कंपोनेंट मिलते हैं, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, तब आग लगती है। अगर हम तीनों में से कोई भी कंपोनेंट हटा दें तो आग बुझ जाती है। सपोज हमने कोई किसी लकड़ी में आग लगी हुई है, हमने उसको पानी डाल दिया तो उसकी हीट हट जाएगी, हीट हट जाएगी तो वो पानी, आग बुझ जाएगी। कहीं पर आग लगी हुई है, हमने ऑक्सीजन ब्लॉक कर दी तो आग बुझ जाएगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एयर नहीं मिलेगी तो आग बुझ जाएगी। सो दिस इज द बेसिक फिलोसफी ऑफ फायर कि अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक चीज हटा दी तो आग बुझ जाएगी, इन तीन चीजों को मिलकर आग लगती है। दिस इज द फायर ट्रायंगल जिसके ऊपर पूरी फायर सेफ्टी की थ्योरी है। अलग अलग फ्यूल सोर्सेज हो सकते हैं, अलग अलग हीट सोर्सेज हो सकते हैं, अलग अलग ऑक्सीजन एयर के सोर्सेज हो सकते हैं। So, हम इस पहली केस स्टडी की हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले 6 मई को एक मैसिव फायर हुआ था शारजहां के अंदर, सबने न्यूज में सुना होगा। लॉकडाउन के अंदर तो हम सबके सब न्यूज टीवी देख रहे हैं तो सबने डेफिनेटली सुना होगा, किसी ने फेसबुक पे देखा होगा, किसी का व्हाट्सएप पर वीडियो आया होगा। तो एक 50-story बिल्डिंग थी, सब कुछ था वहां पे, फायर सेफ बिल्डिंग थी और सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे, फायर एनओसी भी थी, फिर भी आग लग गई। कहीं ना कहीं पैकिंग रही है और हम आगे इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे पैरामीटर थे जिसकी वजह से इसके अंदर आग लगी। और अभी इस पर भी रिसर्च चल रही है कि आग लगी क्यों, बट जो मेन रीजन अभी समझ में आया है वो आया है कि जो मटेरियल इसके अंदर यूज हुआ है उस मटेरियल की वजह से इसके इस बिल्डिंग में आग लगी है। और आप देखें इस आग लगने की वजह से कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, हम लोग वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। जब इस बिल्डिंग में आग लगी थी तो सबसे इंपॉर्टेंट लोगों की जान, की लाइफ चली गई, काफी लोग मरे हैं इस एक्सीडेंट के अंदर, कितने लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, ऑपरेशंस, इसके आसपास के 2-3 किलोमीटर तक का पूरा एरिया ब्लॉक हो गया है, बहुत बहुत टाइम तक वहां पे ऑपरेशंस बैरियर रहेंगे, कितने लोगों का फाइनेंशियली ऑफिशियली हर तरह का नुकसान होने वाला है, प्रॉपर्टी जो इतनी बिल्डिंग 50-story की जो बिल्डिंग बनी है इसको पूरे को वापस से रिस्ट्राइक करना पड़ेगा, तो प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। तो अगर
मैं कोरोना की बात कर रहा था, मैं बार बार कोरोना से रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि वो भी मानता हूँ मैं हमारा ह्यूमन लाइफ के ऊपर, और फायर भी एक हजार ही है। तो अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लें तो ना हमारा फायर कुछ बिगाड़ सकता, ना हमारा कोरोना कुछ बिगाड़ सकता। तो हम इंडियंस हैं, हमारी मेंटेलिटी कुछ ऐसी है कि हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशन लेके चलें तो हम ये सोचते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़, राइट। सो आग लगने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इन ट्राइंगल की जब हम बात कर रहे थे तो मैं हीट सोर्स की बात करूं या फिर ऑक्सीजन सोर्स की बात करूं या फ्यूल सोर्स की बात करूं, क्या क्या ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिससे कि आग लगने की संभावना होती है? सो अप्लायंस एंड इक्विपमेंट्स, घरों में इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑफिस में इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, दे आर द रीजन। कैंडल्स, केमिकल एंड गैसेज, बहुत तरह के अलग अलग केमिकल्स आते हैं और हजारियस केमिकल्स भी आते हैं, हजारियस गैसेस भी होती है। इलेक्ट्रिकल एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, फायरवर्क्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। कुछ टाइम पहले जयपुर में एक मार्केट में पटाखों की दुकान पे आग लगी थी, हाउ मेनी यू आर अवेयर अबाउट इट? ओके, सो मेनी आर अवेयर अबाउट इट। और उसके आसपास कितने दिनों तक लोगों का काम बंद रहा, कितने लोगों को फाइनेंशियली नुकसान हुआ, और सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था, लैकिंग ऑफ अवेयरनेस और इक्विपमेंट का ना रखना और केयरलेस होना। सो एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग सब इस चीज के बारे में अवेयर रहें। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, लाइटनिंग फायर, स्मोकिंग मटीरियल, शॉर्ट सर्किट, मटीरियल यूज्ड इन बिल्डिंग। तो मैंने अभी जो आपको केस स्टडी बताई वो मटीरियल के बारे में थी, उसकी मटीरियल की वजह से उसमें आग लगी जो हम बिल्डिंग में मटीरियल यूज करते हैं। एक आपको कॉमन कॉज बताता हूँ, हम सबके घरों में, हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़े हुए हैं जो किचन के एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सबके घरों में चिमनी होती है, राइट। और चिमनी को हर 5-7 दिनों में एक बार ढंग से क्लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि हम चिमनी को यूज करते हैं तो जो ऑयल जब ऊपर आता है चिमनी के अंदर तो थोड़े दिनों में क्या वो ऑयल काला पड़ना शुरू हो जाता है, वो जला हुआ ऑयल होता है, और वो जला हुआ जो ऑयल होता है वो हीट पकड़ के आग पकड़ लेता है, एंड दिस इज द मेजर रीजन फायर इन किचन। मैं पिछले 6-7 महीने में 5-6 इंसिडेंट सुन चुका हूँ इस बारे में, सो आई थॉट टू अवेयर यू ऑल अबाउट दिस। तो चिमनी इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट, तो इसको हर 7-8 दिन में क्लीन कर लेना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि आपको फायर एक तरह की नहीं होती, फायर के बहुत सारे रूप होते हैं। सो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासेस ऑफ फायर। तो 5 तरह की मेन क्लासेस हम लोगों ने डिसाइड कर रखी है NFPA से, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एजेंसी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के, 5 तरह की क्लास होती है। तो इसको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझें तो ए इज फॉर सॉलिड, बी इज फॉर लिक्विड, सी इज फॉर गैसेस, D is for metal and K is for oil fire, or you can say kitchen fire, you can say. So A के अंदर हम wood, paper, cloth इन सबको count करते हैं। Class B के अंदर हम लोग grease, oil, paint, solvent जो भी liquid होते हैं hazardous के लिए वो सब हम उसके अंदर count करते हैं। Class C के अंदर हम wiring को, electric wire को, इनको use करते हैं। Class D के अंदर हम consider करते हैं magnesium, aluminium, कोई भी metal हो। क्लास के अंदर किचन के जो ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट, वेजिटेबल ऑयल, इन सबको हम काउंट करते हैं। ये सब चीजें जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि किस क्लास की फायर है तो हम ये कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे अगर कि हम इसको बुझाएं कैसे, इस आग को हम लोग सेव कैसे करें। तो हमारे लिए जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि फायर का क्लास कौन सा है, तभी उस आग पे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। सो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, इम्पोर्टेंट है हर इंसान के लिए, स्पेशली कॉमर्शियल बिल्डिंग के जो ओनर्स होते हैं उनके लिए ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि हाउ टू डिसाइड, आर्किटेक्ट के लिए भी, MEP कंसल्टेंट के लिए भी, कि हाउ टू डिसाइड फायर रिक्वायरमेंट इन एनी बिल्डिंग। सो देयर इज ए नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 पार्ट इज टोटली अबाउट द फायर एंड लाइफ सेफ्टी। वो क्या कहता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। उसने बिल्डिंग्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, 9 और यू कैन से 10 कैटेगरीज। मैंने यहाँ पे 9 मेंशन करी है, 10 में 10 दसवीं में बताता हूँ आपको। तो रेजिडेंशियल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल,
असेंबली, बिजनेस, वर्सटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज एंड हजार्डियस। इन 9 तरह की बिल्डिंग्स को डिवाइड कर दिया है और हर तरह की बिल्डिंग्स के हिसाब से अलग अलग रूल्स एनबीसी ने डिसाइड किए हैं। और जो 10वीं में बता रहा हूँ वो है मिक्स टाइप ऑफ बिल्डिंग्स। जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स होती है जिसमें बिजनेस भी चल रहा है, एजुकेशनल भी चल रहा है, रेजिडेंशियल भी चल रहा है। तो हजारियस के हिसाब से मिक्स टाइप ऑफ बिल्डिंग्स को भी एक ऑक्यूपेंसी के अंदर एक जगह दी गई है। तो ये 10 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एनबीसी के अंदर है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम फायर सेफ्टी को चूज कैसे करेंगे, मतलब हाउ वी कंप्लीट द पैरामीटर ऑफ फायर सेफ्टी। तो एनबीसी क्या बोलता है कि किसी भी तरह की फायर हो, जब भी हम फायर की बात करें तो क्या क्या ऐसे पैरामीटर हो जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाए कि ये बिल्डिंग सेफ है। तो इसके हिसाब से एनबीसी ने 3 तरह से इसका क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट, आग से बचना है, राइट। सबसे पहले आग से हमें बचना है, आग लगने की नौबत ही नहीं आए, तो फायर प्रिवेंशन इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज लाइफ सेफ्टी। आग लग गई तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग, उस बिल्डिंग में काम करने वाले लोग, उनकी लाइफ को कैसे सेव किया जाए। एंड थर्ड पार्ट कि अगर आग लग गई है, लोगों की लाइफ भी सेव कर ली है, तो अब उस आग को बुझाएं कैसे ताकि वो आगे ना फैले। तो ये 3 पैरामीटर है। इन 3 पैरामीटर के ऊपर एनबीसी ने अपनी पैरामीटर को डिसाइड किया है। तो फायर प्रिवेंशन के अंदर अगर हम बात करें कि आग लगे ही ना, आग से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है उसका मटेरियल, कि हम बिल्डिंग में कौन से टाइप का मटेरियल यूज करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल होता है, कौन से टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे फायर रेजिस्टेंस मटेरियल अवेलेबल है, हर तरह का। इवन वुड में आप ले लो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का मटेरियल ले लो, सबके फायर रेजिस्टेंस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं। एक्सेस रोड टू बिल्डिंग, अगर फायर जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए एक्सेस है या नहीं। सेटबैक अराउंड बिल्डिंग, हमारे बिल्डिंग का सेटबैक जो है वो प्रॉपर छोड़ा गया है या नहीं छोड़ा गया। हाइट ऑफ बिल्डिंग, फ्लोर एरिया एंड लेआउट। फ्लोर एरिया एंड लेआउट का एक कैलकुलेशन होता है एनबीसी के अंदर, वो एक टेक्निकल पैरामीटर है, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। बस ये 5 पॉइंट हैं जिसको हम फायर प्रिवेंशन में कवर करते हैं कोई बिल्डिंग डिजाइन करने से पहले। देन पॉइंट इज लाइफ सेफ्टी, कि अगर आग लग जाए तो उसमें हम लोगों को बचाएंगे कैसे। लोगों की जान सबसे इंपॉर्टेंट है। स्मोक, जो जब भी कहीं पे फायर का एक्सीडेंट होता है तो आग से कम लोग धुएं से ज्यादा मर जाते हैं, हीट से ज्यादा मर जाते हैं। सो बिल्डिंग की एग्जिट रिक्वायरमेंट हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। उसके लिए हमेशा से इवन एनबीसी ये भी बोलता है कि आप जो कुछ बिल्डिंग्स में ऐसा होता है कि आपने एग्जिट भी वही दे दी और लोग पैनिक, बिना पैनिक के भी उस एग्जिट को यूज करते हैं। एनबीसी बोलता है कि एग्जिट हमेशा इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, ताकि पैनिक के टाइम पे वो प्रॉपर यूज आए, इसके यूटिलाइज जा सके। स्मोक कंट्रोल सिस्टम, डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, फायर ड्रिल, फायर ऑर्डर्स एंड फायर ऑडिट। फायर ड्रिल हर 6 महीने में, हर 1 साल में होना चाहिए हमारी बिल्डिंग्स के अंदर। फायर ऑडिट होनी चाहिए। स्मोक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, जो सिस्टम जिसकी हम बात करते हैं। दिस इज द सेकंड पैरामीटर। एंड थर्ड इज फायर प्रोटेक्शन। तो आग भी लग गई, हमने लोगों को भी बचा लिया, तो हम आग को कैसे बुझाएंगे कि आग हमें आसपास की बिल्डिंग्स में ना फैले। तो सबसे पहला हमारा फाइटर टूल होता है फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो वहां बताऊंगा। सेकंड, फिक्स्ड फायर इंस्टॉलेशन, फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन। हमारी बिल्डिंग के आसपास, कोई भी बिल्डिंग के आसपास आपने लाल कलर की पाइप देखी होगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेंट सिस्टम। एंड देयर इज सम नोजल इनसाइड द बिल्डिंग, दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, गैस सप्रेशन सिस्टम फॉर डेडिकेटेडली सर्वर रूम कंट्रोल पैनल, फोम सप्रेशन सिस्टम, वाटर मिस्ट एंड अदर स्पेशलाइज सप्रेशन सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जिससे कि आप आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूँ राजस्थान की। हम राजस्थान में वेबिनार कर रहे हैं। एक बिल्कुल बेसिक सा पैरामीटर बता रहा हूँ मैं आपको कि फायर एनओसी कैसे मिलती है। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे फायर एनओसी मिलती कैसे। तो 9 मीटर से या 250 स्क्वेयर मीटर से कोई भी बड़ी बिल्डिंग है, मैक्सिमम मैक्सिमम आई एम टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम, 9 मीटर या 250 स्क्वेयर मीटर। जैसे सपोज रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और उसकी हाइट अगर 9 मीटर से ज्यादा है, या फिर उसका प्लॉट एरिया 250 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, तो
वो एनओसी उसे लेनी पड़ेगी। और सेम इसका कैलकुलेशन हम बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे एनबीसी के बिल्डिंग के, हमने 9 अलग अलग पैरामीटर मैंने बताया आपको, अलग अलग 9 तरह की बिल्डिंग होती है, सेम इसके अंदर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले उस बिल्डिंग का एक मैप होना चाहिए, जिस भी बिल्डिंग के लिए आप एनओसी अप्लाई करो, आर्किटेक्ट से वो अप्रूव होना चाहिए, फायर जिसने भी फायर की ड्राइंग बनाई है, फायर का काम किया है, वहां से अप्रूव होना चाहिए। और 2 साल के लिए राजस्थान गवर्नमेंट फायर एनओसी रिलीज करती है, पहले 1 साल के लिए करती थी, अभी 2 साल के लिए कर दिया है। और जो इक्विपमेंट मैंने आपको बताए अभी फायर प्रोटेक्शन के अंदर, जिसके बारे में आगे बताऊंगा, वो सारे इक्विपमेंट होने चाहिए। हर बिल्डिंग के अंदर अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, हर 1 साल के बाद में फायर डिपार्टमेंट नगर निगम उस बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करता है, उसके बाद उसको रीइश्यू करता है, लेकिन वो एनओसी 2 साल की हो। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पास एनओसी नहीं है इस पैरामीटर आने के बाद में, तो नगर निगम जो है वो ऑथराइज है उस बिल्डिंग को सीज करने। और अगर एनओसी है और इक्विपमेंट नहीं काम कर रहे हैं आपके, तब भी नगर निगम ऑथराइज है उस बिल्डिंग को सीज करने के। सो लेट्स टॉक अबाउट सम फायर एंड लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले मैं लाइफ सेफ्टी की बात करूंगा। जैसे फायर डिटेक्शन इक्विपमेंट्स, एड्रेसेबल, कन्वेंशनल, वायरलेस एंड गैस डिटेक्शन, यू कैन से। सो कन्वेंशनल और एड्रेसेबल आप सबने सुना होगा, बस दोनों में एक बिल्कुल एक लाइन का डिफरेंस होता है। डिटेक्शन सारे कन्वेंशनल होते हैं, बस एड्रेसेबल के अंदर एक अलग से लूप, अलग से एड्रेसेबल यूनिट लगी होती है, जो कि आपको आपके डिटेक्शन सिस्टम को आपके डिटेक्टर की एग्जैक्ट लोकेशन बताती है। दैट इज द ओनली डिफरेंस इनटू कन्वेंशनल एंड एड्रेसेबल। कन्वेंशनल एड्रेसेबल दोनों जोन में बंटे होते हैं, लेकिन एड्रेसेबल जो होता है वो प्रॉपर एड्रेस देता है उस डिटेक्टर का, जबकि कन्वेंशनल सिर्फ जोन बताता है। वायरलेस भी मार्केट में अवेलेबल है, द सेम थिंग जैसे वो करते हैं वही एड्रेसेबल कन्वेंशनल। गैस सॉरी वायर बेस्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। गैस बेस्ड सिस्टम कोई भी गैस हो, चाहे एलपीजी हो, चाहे CO2 हो, चाहे मैथेन हो, हाइड्रोजन हो, सब तरह के गैस डिटेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि कन्वेंशनल और एड्रेसेबल में डिफरेंस क्या होता है, सेम यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। इसमें हम लोग एड्रेसेबल में हमारे पास एक डिटेक्टर, एक एड्रेस हम लोग उस डिटेक्टर का मेंशन कर देते हैं, और कन्वेंशनल में हम लोग एक जोन का डिटेक्टर मेंशन करते हैं। सपोज अगर कोई फायर हुई और कन्वेंशनल पैनल के अंदर वो ये सिर्फ ये दिखाएगा कि जोन के अंदर फायर लगी है, अगर उस जोन वन में 10 डिटेक्टर लगे हुए हैं तो ये नहीं दिखाएगा कि कौन से डिटेक्टर में फायर हुई। लेकिन एड्रेसेबल में वो क्या दिखाएगा, जोन 1 डिटेक्टर 5 के अंदर फायर हुई है, मतलब डिटेक्टर 5 हमने एड्रेस दे रखा है, तो वो आपको लोकेशन दिखाएगा। नाउ अनदर केस स्टडी वी डिस्कस अबाउट इट, विजाग गैस लीक। ये भी अभी सभी ने सुना होगा, एलजी का, एलजी पॉलीमर की फैक्ट्री है विशाखापट्टनम के अंदर, और वहां पे काफी लोग मर गए, और इस गैस का लीक होने का जो इफेक्ट है कुछ महीनों नहीं, कुछ सालों तक दिखेगा, चाहे वो डिजीज के रूप में दिखे, चाहे कैसे भी दिखे, बट वो दिखेगा। दिस इज ऑल्सो हजार्डियस गैस जो लीक हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि या तो इनके यहाँ पे डिटेक्टर था नहीं, और अगर था तो उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई। तो कोई भी फायर इक्विपमेंट्स अगर आपके पास है, नहीं है तो उसे ले, और अगर है तो उसका प्रॉपर मेंटेन करें। अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो मौके पे काम भी नहीं करेंगे। इस तरह के गैस डिटेक्टर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हाउस होल्ड, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। हाउस होल्ड के अंदर एलपीजी, पीएनजी, कार्बन मोनोक्साइड, रेफ्रिजरेंट गैसेस, ये सब हजार्डस गैसेस हैं जो हमारी हेल्थ के लिए डेंजर है। कमर्शियल में बात करूँ तो मैं एलपीजी, पीएनजी, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, रेफ्रिजरेंट अगेन। इंडस्ट्रियल में बहुत सारे गैसेज होते हैं, कम्बस्टेबल गैसेज है, टॉक्सिक गैसेज है, हाइड्रोकार्बन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, बहुत सारे गैसेज होते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशन है जहाँ पे डिटेक्टर्स लगते हैं, रेजिडेंशियल के अंदर, कमर्शियल किचन, रेजिडेंशियल किचन, कोल्ड स्टोरेज, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक गैसेस, पेंट्री रूम, पार्किंग एरियाज, इंडस्ट्रियल किचन, वेयर हाउसेज, गैस स्टोरेज एरिया, इन सब के अंदर ही डिटेक्टर्स यूज होते हैं। सो दिस इज द
फायर फाइटिंग टूल, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसे हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, घर में, कार में, ऑफिस में, एनी काइंड ऑफ बिल्डिंग, एनी काइंड ऑफ प्लेस। तो अगर किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर आपको यूज करना है, किस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर आपको चूज करना है, राइट, तो इसके लिए आपका क्लास ऑफ फायर जाना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने पहले, कौन सी तरह का क्लास है, कौन सी टाइप की फायर है, किस तरह का एक्सटिंग्विशर उसके लिए परफेक्ट होगा, वहां पर आप वो एक्सटिंग्विशर ले सकते हैं। सपोज एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं, कि आपके किचन में फायर हुई और आपने एबीसी यूज कर लिया, ट्राई केमिकल। ऑयल में फायर हुई और आपने एबीसी यूज कर लिया, दैट्स ब्लास्टर। अगर आपने पानी यूज कर लिया इलेक्ट्रिकल के अंदर, ब्लास्ट, मतलब वेरी डेंजरस सिचुएशन। सो हमें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का एक्सटिंग्विशर हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ए टेबल, वाटर बेस्ड सिस्टम एक्सटिंग्विशर, फोम बेस्ड एक्सटिंग्विशर, CO2 बेस्ड, एबीसी पाउडर बेस्ड, वेट केमिकल बेस्ड। वेट केमिकल इज के क्लास की पेंसिल। सो एबीसी जो है बेसिकली मल्टीपर्पज पाउडर होता है, वी कैन यूज इट एनी वेयर एक्सेप्ट द कुकिंग ऑयल और किचन, और हम कहीं पर यूज कर सकते हैं। सेम इज CO2, बट CO2 इज बेसिकली फॉर लिक्विड एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। वाटर इज डेडिकेटेडली फॉर क्लास ए फायर, फोम इज डेडिकेटेडली क्लास ए एंड बी। सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन दिस विल हेल्प यू टू चूज द राइट एक्सटिंग्विशर। सो नाउ एक्सटिंग्विशर तो हमने ले लिया, चलाएंगे कैसे, राइट? सो आप सबको ट्राई करना है, अपने अपने घरों में, अपने अपने ऑफिस में देखना किसी के पास अगर एक्सटिंग्विशर है तो। हर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक नोजल पिन लगी होती है, एक पिन हैंडल के बिल्कुल पास में एक पिन होती है, उस पिन को आपको खींचना है, यूज नहीं करना, जस्ट आई एम टेलिंग यू, मौके पे यूज करना है। अगर आपने यूज किया तो उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा और आपको वापस से। तो पुल द पिन इन द हैंडल और एम द नोजल एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज द लीवर स्लोली एंड स्वीप फ्रॉम साइड टू साइड। तो जब भी हम इसे स्क्वीज करते हैं, जब भी आग बुझाने के लिए इसको हैंडल को स्क्वीज करेंगे या लीवर को स्क्वीज करेंगे, तो हमेशा बेस ऑफ द फायर हमें एक्सटिंग्विशर को यूज करना है। ऊपर ऊपर आग चलाएंगे, ऊपर ऊपर उसको पाइप को मारेंगे तो आग कभी नहीं बुझेगी, आग हमेशा बेस पे डालने से ही बुझेगी, और इसे कंटिन्यू साइड टू साइड, लेफ्ट राइट करना पड़ेगा तब बुझेगी। अगर आपने ऊपर ही ऊपर चला दिया तो आग नहीं बुझेगी। तो दिस इज द सम मेथड। देखो इसमें छोटा सा बच्चा ऊपर आग लगा रहा है, वो आग नहीं बुझेगी, राइट? और इसमें जो फर्स्ट फोटो मैंने दिखा रखी है, बेस ऑफ द फायर वो लगा रहे हैं एंड उसी से आग बुझेगी। इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हम लोग रेगुलरली करते हैं। दिस इज द फायर हाइड्रेंट सिस्टम, द मोस्ट इफेक्टिव एंड द ओल्डेस्ट सिस्टम, फायर हाइड्रेंट सिस्टम। जैसे वाटर बेस्ड सिस्टम, फिक्स सिस्टम, फिक्स पाइपिंग सिस्टम, बहुत सारे नाम है इसके। और आप सबने देखा होगा बिल्डिंग के अंदर इस तरह की पाइप लगी हुई, इस तरह का एक वाल्व लगा हुआ। फायर हाइड्रेंट इंस्टॉलेशन कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पाइप वर्क कनेक्टेड डायरेक्टली टू द वाटर सप्लाई। ये जो पाइप होती है डायरेक्टली वाटर सप्लाई से कनेक्टेड होती है, वहां पंप लगा होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है। अलग अलग फ्लोर के ऊपर हाइड्रेंट आउटलेट लगे होते हैं, जैसे वाल आप फोटो में देख रहे हैं, जो कि इन केस ऑफ फायर ये वॉल खुल जाता है, जैसे पानी का स्प्रे होता है बिना वेरी हाई प्रेशर, ये आग बुझ जाती है। दिस इज अगेन स्प्रिंकलर सिस्टम। फायर स्प्रिंकलर वर्क बिकॉज हाई हीट ट्रिगर द स्प्रिंकलर सिस्टम व्हेन ए ब्लेज इग्नाइट द एयर डायरेक्टली अबव इट हीट रैपिडली। When the air is hot enough to reach a sprinkler head, it triggers a chain reaction. Most sprinkler head feature a glass bulb filled with a glycerin based liquid. आप ये देख रहे होंगे इस फोटो के अंदर, ये इस फ्रेम के अंदर एक ग्लास लगा हुआ है, छोटी सी ट्यूब सी लगी होती है, उसके अंदर ग्लिसरिन होता है। जैसे ही हीट आती है, फुल टेम्परेचर आउट मोर देन 60 डिग्री, तो ये ग्लास जो है ये फूट जाता है, और जब ये फूटता है तो इसके अंदर से पानी स्प्रे होता है। अलग अलग टाइप के स्प्रिंकलर्स आते हैं और अलग अलग ऑपरेशंस के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो दिस इज डिटेल, दिस इज अ प्लग, ये एक वैक्यूम सील्ड ग्लास ट्यूब है जो मैंने बताया आपको, और ये नीचे रिफ्लेक्टर प्लेट है जैसे कि पानी स्प्रे होता है।
दिस इज द फ्लडिंग सिस्टम, यू कैन से गैस सप्रेशन सिस्टम. गैस सप्रेशन दो टाइप के होते हैं. वन इज फ्लडिंग सिस्टम इज अ पार्ट, इसमें FM 200 नोवेक इस तरह की गैसेस यूज होती है. आपने देखा कि पहली जो फोटो है इसके अंदर, मैं आपको रिपीट दिखाता हूँ, ये जो पहली फोटो है, इस पहली फोटो के अंदर स्मोक हुआ और स्मोक होने के बाद में जैसे ही रिलीज निकला, रिलीज निकलने के बाद पूरे रूम में रिलीज हुआ एंड देखो कि पूरा का पूरा कोई भी इक्विपमेंट आपका खराब नहीं होता. दिस इज अ गैस जो कि आप किसी भी तरह का हजार्ड नहीं करती है, ह्यूमन इंजरी नहीं करती है और आपके इक्विपमेंट को खराब नहीं करती. तो बहुत सेंसिटिव प्लेसेस के अंदर इसका यूज होता है. दिस इज द किचन सप्रेशन सिस्टम, ट्यूब बेस्ड सिस्टम. तो ये प्री इंजीनियरिंग सिस्टम होता है जो पहले से डिजाइन होता है. इसको सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल किया जाता है अलग अलग स्पेशलाइज जगह के ऊपर, जैसे कि सर्वर रैक्स होती है, सर्वर रैक के अंदर यूज कर सकते हैं. कमर्शियल किचन होते हैं, कमर्शियल किचन के जो हुड होते हैं उनके अंदर इस सिस्टम को यूज किया जाता है. दिस इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सप्रेशन सिस्टम. ये स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, ये रशियन बेस्ड सिस्टम है और इसमें एक कोड होती है और एक स्टिकर होता है, दो अलग अलग फॉर्म होती है. आप देख रहे होंगे इसमें पहली फोटो के अंदर एक रस्सी सी बंधी हुई है सर्वर रैक के अंदर. ये जो रस्सी है इस जिसे बोलते हैं पायरो कोड. ये पायरो कोड क्या काम करता है, इसके अंदर माइक्रो कैप्सूल होते हैं जिसको यू कैन से एक्टिव एजेंट. तो जैसे आग लगती है वो कोड है वहां से फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है. तो जैसी ब्लास्ट होगी वो आग वहीं से बुझा देगी. सेम मेथड इज फॉर स्टिकर. आपने सेकंड बार देखो ग्रीन कलर का आपको कुछ दिख रहा होगा पैनल के अंदर की साइड में ऊपर की तरफ. ये एक स्टिकर है, बिल्कुल छोटा सा स्टिकर आता है जो हम इलेक्ट्रिकल पैनल्स में लगा सकते हैं. जैसे ही आग लगती है वो स्टिकर फट जाता है, उसके अंदर भी सेम एक्टिव एजेंट्स होते हैं और माइक्रो कैप्सूल के रूप में जो कि आग को बुझा देते हैं. दिस इज फॉर बेसिकली डेडिकेटेडली स्मॉल सिस्टम. फुल लाइफ होती है इनकी, 5 ईयर वारंटी का इक्विपमेंट है. सो हेयर इज द फायर डोर, फायर एग्जिट यू कैन से. We must have this one in any commercial building. So let's talk about our home. So we need to ask ourselves how fire safe is our home. Write in chat box कि हमारा घर कितना safe है fire से. नहीं है तो we need to sit with our family. डिस्कस विद इट कि हम कितने सेफ है, कल को आग लगती है तो हम कैसे भागेंगे. तो मैं मेन कोज बताता हूं आपको घर में आग लगने के क्या क्या हो सकते हैं. इट कैन बी ए कुकिंग, इट कैन बी ए हीटिंग, ओवर हीटिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, सिगरेट एंड कैंडल्स. तो जब भी हम कुकिंग करते हैं तो उसे ऐसे नहीं छोड़े, अनअटेंडेंट इनको नहीं छोड़े. इट कैन बी रीजन ऑफ फायर. हीटिंग, जब भी हम कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं तो ओवर हीटिंग का ध्यान रखें. इलेक्ट्रिकल, हर 2-3 साल में आपको इलेक्ट्रिकल ऑडिट करवा लेना चाहिए जिससे कि आपको आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की लाइफ का पता लगे. और सिगरेट एंड कैंडल्स, सिगरेट और कैंडल से बहुत सारे फायर इंसिडेंट होते हैं और इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए. सो दीज आर द एक्शन यू कैन टेक टू सेव योर होम. कंडक्टिंग ए सेफ्टी चेक रेगुलरली. आप सबको एक साल में एटलीस्ट एक बार अपनी सेफ्टी चेक का ऑडिट करा लेना चाहिए या खुद कर लेना चाहिए. फिक्सिंग एन एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर. अगर आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है, अपने ऑफिस में फायर एक्सटिंग्विशर है, अगर वो एक्सपायर हो गया है, उसका प्रेशर अगर रेड पे आ गया है तो उसे रिप्लेस करवाइए या उसे रिफिल कराइए. और अगर आपके पास एक्सटिंग्विशर नहीं है देन बाय वन फॉर यू. फिक्सिंग ओल्ड फ्लैट इलेक्ट्रिकल वायरिंग. अगर आपकी कोई वायर आपको लग रही है कि खराब होने वाली है या फिर कहीं से लूज हो गई है या कहीं टूट गई है तो उस वायरिंग को चेंज करवा दीजिए या उसे फिक्स करवा लीजिए. इट कैन बी रीजन ऑफ शॉर्ट सर्किट. ओपनिंग ए ब्लॉक फायर एग्जिट. अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में फायर एग्जिट है और अगर वो आपने सामान से भर के रख रखी है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो आप उसे कभी भी ब्लॉक मत करिए. बिकॉज फायर कैन हैपन एनी टाइम एनी वेयर विद एनी वन जस्ट लाइक इन कोरोना. सो इसे कभी ब्लॉक मत कीजिए. और अगर आपके घर में फायर एग्जिट नहीं है, ऑफिस में फायर एग्जिट नहीं है, देन चूज ए एस्केप रूट. आपको पता होना चाहिए कि ये खिड़की इतनी बड़ी है कि इसको हम तोड़ के निकल सकते हैं. खिड़की का ऑप्शन नहीं है तो वी मस्ट हैव ए लैडर. कि हमारे पास छत पे एक लैडर होनी चाहिए जिससे कि हम उससे उतर के हम भाग सकें.
So we always have a second plans. Clearing an electrical shaft from guardrails. Generally देखा है मैंने जो electrical shaft होती है उसमें बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो always clean it. Clean your chimney regularly, मैं आपको शुरू में बताया, तो अगेन आई एम टेलिंग यू क्लीन योर चिमनी रेगुलरली, एटलीस्ट 7 to 10 days की गैप में आप उसे साफ कर लें. यूज फायर ब्लैंकेट, स्मोक डिटेक्टर एंड एलपीजी डिटेक्टर. हम सबके सब एलपीजी सिलेंडर्स घर में यूज करते हैं, और उसके लीकेज के लिए हमारे अगर हमें गलती से कभी लीक हो जाए तो उसके लिए डिटेक्टर हमारे पास होना चाहिए. अगर स्टोर है हमारे घर में ऑफिस में तो उसके लिए हमारे पास स्मोक डिटेक्टर होना चाहिए. एंड फायर ब्लैंकेट के इसकी रेजिस्टेंस पावर होती है आग से बचने की, तो फायर ब्लैंकेट भी हमारे पास होना चाहिए. इक्विपमेंट है विच आई ऑलवेज रिकमेंड फॉर होम फायर. सो फ्रेंड्स, आई एम मयंक शर्मा, आई एम सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग एंड फायर सेफ्टी कंसल्टेंट. यू कैन आस्क मी और ईमेल मी, कॉल मी एनी टाइम कंसल्टेशन.